हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। टमाटर की मीठी वाली चटनी बनाएंगे और ये हम बनाएंगे कोलकाता की शादी वाली स्टाइल में। मतलब कोलकाता में शादी ब्याह में जैसी चटनी सर्व की जाती है, बिल्कुल वैसी वाली चटनी बनाएंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए फिर झटपट रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर ली है, काटने के बाद ये 1.5 कप जितना है और गिनती में ये 6 टमाटर है मीडियम साइज़ के। अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़े करके काट लिया है। और यहाँ देखिए, कुछ मैंने खजूर लिए हैं। यहाँ पर 6-7 खजूर होंगे, इनके दाने मैंने निकाल दिए हैं और ऐसे लंबे लंबे करके काट लिया है। और लिया है कुछ अंगूर। एक्चुअली यहाँ पर आम पापड़ यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरे पास आम पापड़ नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ अंगूर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ आमंड्स लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं, कुछ किशमिश, और यहाँ पर लिया है कुछ सूखे नारियल जो स्लाइसेस में करके काट लिया है। बादाम और काजू को मैंने आधा आधा कर लिया है। अब चलिए पैन में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। नहीं भी भूनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन भूनने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स जो भी है ये हम अभी भून लेते हैं। खजूर भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही गीले खजूर है, अगर सूखा हो तो भून सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाल लाल सा कलर हो चुका है, अभी हम इनको निकाल लेंगे। मीडियम हीट पर मैंने 6-7 मिनट के लिए भून लिया है। अब चलिए निकाल लेते हैं और इसी पैन में हम बाकी का प्रोसेस कर लेंगे। थोड़ा तेल डाल देंगे और अभी तेल अच्छा गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून जीरे, साबुत जीरे। 1/4 टीस्पून डालेंगे सरसों और इसके साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून सौंफ और इसके साथ साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून मेथी दाने और इसके साथ डालेंगे 1 तेज पत्ता और डालेंगे 4-5 सूखी लाल मिर्च। सब कुछ अच्छे से भूनने देंगे। ऑलरेडी भून ही चुके हैं। सब कुछ भून जाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर जो हम काट के रखे थे। टमाटर को भून लेना है, मतलब गला लेना है। तो टमाटर के साथ हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। ध्यान रहे, हम मीठी चटनी बनाने वाले हैं तो नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। नॉर्मली सब्जी के स्वाद में जितना नमक जाता है उसका आधा हमें नमक डालना है। तो आधा नमक मैंने डाल दिया है और अभी हम ढक ढक कर कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता। अगर टमाटर थोड़ा ड्राई लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हीट अगर बिल्कुल लो कर देंगे तो पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी हम ढक ढक कर कुक कर लेते हैं जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर चेक ज़रूर करना है और अगर ज़्यादा सूखा लगे तो थोड़ा पानी भी डाल देना है। मैंने भी थोड़ा सा पानी डाला था। आप देख सकते हैं अभी टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इस तरह से मैश कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैश करने से अच्छा लगता है तो मैं भी थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी मैश कर लिया मैंने। तो इसके बाद हमें इसके साथ डालना है शक्कर। 1.5 कप जितना टमाटर था उसके लिए मैं 1/2 कप से थोड़ा सा कम शक्कर डाल रही हूँ। अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर बिल्कुल पूरी मीठी चटनी अच्छी नहीं लगती है तो थोड़ा सा इमली का पल्प डाल सकते हैं। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, अभी मैं बिल्कुल मीठी चटनी बना रही हूँ। शक्कर को अच्छे से गलने देंगे और शक्कर गल जाने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स, डेट्स और जो अंगूर रखे थे वो सब कुछ डाल देंगे। अगर चटनी सूखी दिखने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि शक्कर गलने के बाद तुरंत ही सूख जाता है। और ये चटनी हमें बिल्कुल सूखी सूखी नहीं बनानी है, थोड़ी नरम नरम सी बनानी है। तो अगर थोड़ी सूखी दिखे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। देखिए, मैंने खजूर, अंगूर और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स सब कुछ डाल दिया है। हीट बिल्कुल लो पर रखना है और अभी ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद ढक कर हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सूखा अगर लगे तो थोड़ा पानी डाल दें। मेरे लिए इतना ठीक है, मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, हीट को बिल्कुल कम कर दे रही हूँ और ढक कर 1 से 1.5 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है
ड्राई फ्रूट सॉफ्ट हो चुके हैं और चटनी मेरी बिल्कुल सूखी नहीं हुई है। शादी वाले फंक्शन में इससे भी थोड़ी सी पतली चटनी सर्व की जाती है, लेकिन मैं घर पर बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा पतली नहीं बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं और पानी नहीं ऐड करूँगी। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा पतला चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उबाल लीजिए, मतलब चटनी को थोड़ी देर के लिए उबलने दीजिए, पानी कच्चा ना रहे, बस इतना सा ही। तो मेरे लिए इतना ठीक है, मैं और पतला नहीं करूँगी। तो अभी हम हीट बंद कर देंगे और चटनी को सर्व करेंगे। टमाटर की ये वाली मीठी चटनी ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, मतलब फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठंडा करके फिर सर्व करें। मील के लास्ट में अगर ये चटनी आप पापड़ या चिप्स के साथ सर्व करेंगे, सबका दिल खुश हो जाएगा। कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल के शादी में ये चटनी ज़रूर सर्व की जाती है और सबको ये चटनी बहुत पसंद आती है। आप भी इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें पापड़ या चिप्स के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर रेसिपी ट्राई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।